नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक होने वाला है कि आप मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस पे तो मैंने पहले भी वीडियो बना चुका है, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स तो बहुत आते हैं इस लाइन के, लेकिन आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन सा रहेगा, आपके बजट के हिसाब से आपका कोर्स कौन सा होगा, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा। तो आज मैं इन्हीं सब टॉपिक को कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो मैं आशा करता हूं आप लोग पूरा देखेंगे, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। लास्ट में मैं कुछ कंपनियों के नाम बताऊंगा, जो बंदे STCW किए हैं और उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो उनके लिए एक टिप है, आप वीडियो पूरा देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, कोर्सेज तो बहुत होते हैं, लेकिन मैं आज जो दो कोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ, उनका नाम है GP रेटिंग और STCW। वैसे तो आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हो, आपके लिए बेहतर लाइफ अपॉर्चुनिटी देगा, जैसे कि BTEC हो गया या DNS हो गया, 1 ईयर का डिप्लोमा। बट ये उनके लिए है जिनके पास बजट है, और जिनके पास बजट की कमी है ये कोर्स उनके लिए तो नहीं है। मतलब बजट प्रॉब्लम है तो आप कर नहीं सकते हो। हाँ, अगर आपके पास बजट प्रॉब्लम नहीं है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप BTEC कर लो या DNS कर लो या BSc कर लो नॉटिकल साइंस में। ये क्या करता है, ये सब कोर्स आपके करियर को बहुत हाई पुश करता है, बहुत तेज़ी से पुश करता है आपके रैंक को। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो बजट फ्रेंडली कोर्स है। जिन लोग का बजट कम है, जिन लोग के पास पैसे कम है, वो भी कोर्स कर सकते हैं, वो भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज उन्हीं कोर्सेज पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दो कोर्स बताऊँगा, एक STCW एक GP रेटिंग। तो पहले STCW की बात कर लेते हैं। STCW फ्रेंड एक कॉमन कोर्स है, जो आप चाहे मर्चेंट नेवी लाइन में कोई कोर्स कर लो, चाहे GP रेटिंग कर लो, चाहे DNS कर लो, चाहे BSc कर लो, चाहे BTEC इन मरीन इंजीनियरिंग कर लो, इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि आपको STCW सब में मिलेगा। लेकिन STCW कोर्स आप अलग से भी कर सकते हो। मेरा मतलब है, जो आपने सुना होगा ओपन सी डी सी का मतलब STCW कोर्स करके जो बंदे CDC ले लेते हैं उन्हें ही ओपन CDC बोला जाता है। तो STCW कोर्स करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया होती है आपका एज, आपका मिनिमम 70 ईयर होना चाहिए, आप 10th पास होने चाहिए, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अच्छा चाहिए, और आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके पास कोई भी पुलिस केस आपके ऊपर न लगा हो, तो आप STCW कोर्स कर सकते हैं। ये 15 दिन का कोर्स होता है, इसमें 5 कोर्सेस आते हैं, जिसमें बेसिक सेफ्टी आपको सिखाया जाता है कि शिप पे किसी भी डेंजर सिचुएशन में आप अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, आप अपने आप को बचा कैसे सकते हैं अगर कुछ भी डेंजर सिचुएशन आ गया तो, ऐसा होना नहीं चाहिए अगर आ गया तो। दूसरे कोर्स की मैं बात करूँ तो वो GP रेटिंग है। GP रेटिंग कोर्स का मतलब होता है जनरल पर्पज रेटिंग। जनरल पर्पज रेटिंग मतलब ये कोर्स का वही सेम क्राइटेरिया है, आप 10th पास होने चाहिए, आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और आपके ऊपर कोई पुलिस केस नहीं होना चाहिए, और आपका इंग्लिश में 10th में मिनिमम 40% होना चाहिए, मिनिमम 40% होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। GP रेटिंग कोर्स करने के लिए लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कॉलेज में जाएं, कैसे एडमिशन ले, हमको तो कुछ पता ही नहीं है कि मर्चेंट नेवी का कोर्स में क्या होता है, कैसे होता है, हम पास कर भी पाएंगे कि नहीं, ये सब दिमाग में चलता रहता है। तो मैं कॉलेज का सीन ये बता दूं फ्रेंड, कुछ ही कॉलेज हैं, उनको छोड़ के बाकी सारे कॉलेज में आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च कर लो DG अप्रूव्ड कॉलेजेस, उसमें एक लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में आप देख सकते हो जितना भी कॉलेज DG अप्रूव्ड है, वो सब कॉलेज से GP रेटिंग होता है, उनका नंबर वहाँ सामने लिखा रहेगा, आप उन नंबर पे कॉल करो, डायरेक्ट उनसे बात करो, डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। अगर कोई बंदा आपको कोई अचानक से फ़ोन किया कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका ये आज ये कोर्स हम कराएंगे, आपको ये एग्ज़ाम देना है, इतना फीस है, ये है वो है, तो ये सब मत करिए, आप डायरेक्ट कॉलेज में संपर्क करिए, डायरेक्ट कॉलेज के फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए, जो भी बैच में आपको जगह मिलेगा, प्लेस मिलेगा, उस बैच में आप अपना एडमिशन करा के GP रेटिंग कोर्स कर लो। GP रेटिंग कोर्स का ड्यूरेशन 6 मंथ का होता है, 6 मंथ आपको वहीं कॉलेज में ही रहना होगा, रेजिडेंशियल कोर्स इसको बोलते हैं, मतलब कि आपको वहाँ ही रहना होगा, छुट्टी बहुत कम मिलेगा, बहुत मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए या घर पे प्रॉब्लम हो जाए तभी छुट्टी मिलेगा, नहीं तो होली दिवाली ईद त्यौहार कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, छुट्टी आपको नहीं मिलेगा। तो अपना मन बना के जाना कि 6 महीने मुझे रहना है, क्योंकि अगर आप वहाँ 6 महीने नहीं रह पाए तो शिप पे आप क्या घंटा रह लोगे, तो इसीलिए सॉरी कॉलेज में तो आपको रहना ही पड़ेगा, तो इसलिए मन बना के जाना। ये GP रेटिंग था। अब दोनों की मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो
STCW कोर्स की फीस स्ट्रक्चर वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। जैसे कुछ कॉलेज में मिनिमम उसका फीस है 15,000, सबसे स्टार्टिंग फीस 15,000 है, कुछ 20,000 लेते हैं, मतलब आप पकड़ लो कि 15,000 से 20,000 के बीच में आपका फीस लगेगा STCW का। और GP रेटिंग का फीस 2,00,000 रुपये से लेके 2,50,000 रुपये तक, 2 लाख से लेके 2.50 लाख के बीच में रहेगा, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, जैसा कॉलेज वैसा फीस। तो ये GP रेटिंग कोर्स का फीस हो गया। ये दोनों कोर्स करके आप सिप पे इजीली ज्वाइन कर सकते हो, और ये सबसे आसान तरीका है सिप पे ज्वाइन करने का। अगर आपके पास बजट नहीं है, बजट बहुत कम है, तो आप OpenCDC निकाल सकते हो, STCW कर लो, 15,000 लगता है उसका। नहीं तो आपका थोड़ा बजट है तो आप GP रेटिंग कर लो, मतलब STCW करके OpenCDC निकाल के सिप पे जाना मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको बहुत प्रॉब्लम होगा आगे चल के। उससे अच्छा है आप कुछ टाइम रुक जाओ, अपना बजट बना लो कुछ, उसके बाद GP रेटिंग करके चले जाओ। तो एडमिशन का प्रोसेस कुछ नहीं है फ्रेंड, यही है कि आप डायरेक्ट कॉलेज का लिस्ट निकालो, कॉलेज के नंबर पे फ़ोन करो और उनसे डायरेक्ट बात करो कि हाँ हमको एडमिशन लेना है, किस बैच में या कब हमारा एडमिशन हो सकता है। वो आपको बताएंगे कि इस मंथ में आप आ जाओ, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप कॉलेज में जाओ, अपने सारे सर्टिफिकेट लेके, जैसे 10th हो गया आपका, ID कार्ड हो गया आपका, पासपोर्ट हो गया, ये सब। अगर जिस बंदे के पास पासपोर्ट नहीं है वो भी एडमिशन करा सकता है। हाँ, कॉलेज से निकलते निकलते अपना पासपोर्ट जरूर बनवा लें CDC आने से पहले, क्योंकि सिप पे जाने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी है। तो आप लोग को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि एडमिशन कैसे होता है, क्यों होता है, एकदम सिंपल वे में ऐसे ही होता है। मैं कॉलेजेस का नाम और उनका लिस्ट और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप कुछ कॉलेजेस का डाल दूंगा जो बढ़िया है GP रेटिंग के लिए या OpenCDC के लिए, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर लो, उनसे पूछ लो। तो आज का वीडियो फ्रेंड यही था नॉर्मल, कि आप एडमिशन कैसे लो। एडमिशन लेने का प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। हाँ, अगर आप DNS या BTech करोगे तो उसके लिए IMUCT का कोई एग्ज़ाम देना होगा, इन सब वो सब प्रक्रिया थोड़ा लंबा है, उसके लिए किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी यही दोनों कोर्स का बात कर रहे थे जो बजट फ्रेंडली है, तो आप एडमिशन ले सकते हो आसानी से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का वीडियो फ्रेंड यहीं तक था, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, जो बंदा DNS या BTech करना चाहता है उसके लिए बताऊंगा कौन सा कॉलेज बेस्ट है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट कैसे मिलता है। OpenCDC वालों, ये 2-3 कंपनियों का नाम लिख लो, KNK शिपिंग मैनेजमेंट, OSL, ओशियन स्पार्कल लिमिटेड, अल्फर्ड मैरीटाइम, ब्रिज व्यू, ये 3-4 कंपनियां हैं, KR हो गया, आप इसमें ट्राई कर सकते हो, चांस है आपका होने का। कहीं पे नहीं होगा तो आपको अल्फर्ड या OSL या KNK, इन तीनों में हो ही जाएगा। आप एक बार जाके ट्राई करो, फ़ोन ना करो, वहाँ पे जाके ट्राई करो, आपका हो जाएगा। और जो भी बंदे एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, कॉन्टेक्ट करो, कॉलेज का नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट करके डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। तब तक के लिए फ्रेंड, जय हिंद।